छतरम बस स्टैंड का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। यह न्यू बस स्टैंड बना है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है बड़ा सा म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन छतरम बस स्टैंड। यहाँ पर ओल्ड बस स्टैंड प्राइवेट बस स्टैंड दोनों जाती है। देखिए ये सेंट्रल बस स्टैंड तिरछी के जाने के लिए रेडी है। तिरछी बस स्टैंड यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये न्यू बस स्टैंड बना है अभी, जस्ट 1-2 महीना पहले ही नया बना है, उद्घाटन हुआ है। ये तिरछी बस स्टैंड देख सकते कितना सारा बस लगा है, बहुत सारा बस लगी रहती है, जहाँ जाना है वहाँ का मिल जाएगा। ये लोकल सिटी का मिलता है, मतलब कि यहाँ से 20-30 किलोमीटर के अंदर जितना है ना हर रूट में अलग अलग बस चलती है, जिधर मन उधर जा सकते हैं। बस पता होना चाहिए, आप हिंदी या जैसे हम लोग हिंदी जानते हैं तो पूछना पड़ता है, या तमिल का लोग वो बस पर पढ़ देखिए बस पर लिखा रहता है कहाँ कहाँ बस जाएगी, हम लोग को तमिल आती नहीं है तो समझ में नहीं आता, तमिल वाला लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ भी देखिए तमिल में लिखा हुआ बस स्टैंड का, पीछे हुआ इंग्लिश में लिखा था जो आपको पहले बता दिया। ये सब बस देखिए ये जा रहा है तिरछी के लिए बस, और लिखा हुआ है GH मतलब हॉस्पिटल GH के नगर। थोड़ा बहुत तमिल भाई सीखे हैं यहाँ रख के, यस हल्का सा, ये देख सकते छतरम बस स्टैंड रुकना है ज़रा, यहाँ से बाहर निकलेंगे। यही है छतरम बस स्टैंड का फुल व्यू। एक ही उधर भी बस स्टैंड है इसका अपोजिट में, वो आपको दूसरे वीडियो में बता देंगे। चलिए अब चलते हैं अलियालू बस स्टैंड दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू दोस्तों। सबसे छतरम बस स्टैंड में कितना भी रहती है, सबसे ज़्यादा सिटी में पड़ता है बस स्टैंड, इसलिए इस बस स्टैंड पर ज़्यादा भीड़ रहती है। देख सकते इधर खाने पीने से लेकर A to Z है, या फूल वूल सब कुछ मिलती है। अब चलिए हम लोग अलियालू के लिए बस स्टैंड से बाहर, बस स्टैंड में सिर्फ लोकल का बस मिलता है, बस स्टैंड के आउटसाइड में वो थोड़ा दूर के लिए मिलता है बस। अब आगे बस स्टैंड में अभी लोकल के लिए खुला है, देखिए फल फूल सब भी मिलता है, जो सामान चाहिए। ये बहुत बड़ा सिटी है छतरम, अब सर्च करते हुए देख सकते हैं यूट्यूब गूगल जहाँ पर वहाँ चलेगा। ये छतरा मार्केट भी है, बस स्टैंड भी, दोनों देख सकते पूरा। ये थोड़ा यूर के लिए बस लगी हुई है, हम लोग को जाना है अलियालू। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।